Assalamu alaikum students. मैं हूँ राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं online.99 पर. Welcome to the lecture number 3. Here should be number 3. जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था that is relationship between equilibrium constants. Different equilibrium constants के बीच में relationship को हमने discuss करना start किया था. उसमें हमने दो discuss कर लिए. Kp और Kc, Kp और Kx. अब number 3 है के पी एंड के एन में क्या रिलेशनशिप होगा. स्टार्ट में वही सिंपल सी बात कि हम एक जर्नल रिएक्शन लेंगे. ये आपको अब तो याद हो गया होगा कि इसको हमने बार बार डिस्कस किया है. ठीक है, ये एक जर्नल रिएक्शन है. ये रिएक्शन हमारे पास मेन है. ठीक हो गया. अब इस रिएक्शन के लिए उसी तरह से ये बात भी आपको याद हो गई होगी कि हमने के पी लिखना था. ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन के लिए के पी लिखें तो क्या होगा, P ऑफ C, ठीक हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C मल्टीप्लाई बाय P ऑफ D, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D, P ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, P ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. ये बहुत बार आपने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है. ठीक है, अब यहाँ पर उसी तरह से हम प्रेशर को देखेंगे. तो ये बात भी लास्ट उसमें आपने डिस्कस की थी कि लेट्स सपोज इफ प्रेशर ऑफ A हम देखना चाहें तो क्या होगा, that is equal to mole fraction of A multiplied by pressure of A. इसको आप यूं भी कह सकते हैं. ठीक है, और अब आपने एक बात पढ़ी थी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है. हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन अगर आप एक कंपोनेंट का देखना चाहें तो इसका मतलब ये होगा कि उस कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल. ठीक है, तो अगर हम टोटल मोल को n से रिप्रेजेंट करें और एक कंपोनेंट को हम स्मॉल n से लिखें तो देखें x ऑफ A, यहाँ पे आसानी के लिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं. ठीक है, x ऑफ A का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या कह देते हैं, n ऑफ A नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, इसको आप कैपिटल से लिखें यू. ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल. टोटल नंबर ऑफ मोल हम किससे कह रहे हैं, n से कह रहे हैं. तो ये आपके पास हर एक कंपोनेंट के लिए आ जाएगा. अब x ऑफ A की जगह हम ये वैल्यू अगर मेन इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए. देखिए, P of A is equal to, it should be equal to NA divided by N. ये यहां तक क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय P. ठीक हो गया. अब ये आपके पास हर एक के लिए बनेगा. अगर P of C हो, N of C हो जाएगा, P of D हो, N of D हो जाएगा, और साथ में ये सारा कुछ. ठीक है, तो इसको इक्वेशन में हम कैसे पुट करेंगे, प्रेशर ऑफ A एन ए और साथ में पी बाय एन, हम प्रेशर बाय एन को मल्टीप्लाई करें और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम एक तरफ ले लेंगे. ठीक है, तो अब इसको जब हम मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, उसको देखना जरा. देखें यहां पे क्या है, पी ऑफ सी तो क्या होगा, एन ऑफ सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय पी बाय एन. किसके लिए हमने लिया, सी के लिए लिया. ठीक है, इसी तरह साथ में क्या है, डी है, एन ऑफ डी पी बाय एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी. सिमिलरली एन ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पी बाय एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. ठीक है, और एन ऑफ बी पी बाय एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. यहां तक ये बात इस तरह से आ गई. ठीक है, इसको आपने इस तरह से देखना है. अब देखें n वाली टर्म को आप एक तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले आए तो क्या बनना है, जरा इसको देखिए. kp इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ c यूं जाएगा, n ऑफ d नंबर ऑफ मोल्स ऑफ d a, और ये हो जाएगा. ठीक है, और साथ में p बाय n क्या है, C प्लस डी डिवाइडेड बाय P बाय N A प्लस बी. ये यहां तक हमने पहले भी किया है और अब उसी से रिलेटेड ही है. ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, N इज नंबर ऑफ मोल. और आपको याद है कि जब हम इक्विलिब्रियम के लिए नंबर ऑफ मोल्स को लेंगे तो फिर जो एक्सप्रेशन होगी उसको हमने क्या नाम दे दिया, के एन. तो क्या हो जाएगा, kp इज इक्वल टू के एन, ये सारा के एन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और हमारे पास p बाय एन ये किसके इक्वल, डेल एन.
ठीक है, ये आपने बार बार डिस्कस किया हुआ है कि सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू डेल एन। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि इफ डेल एन इज इक्वल टू जीरो देन के पी इज इक्वल टू के एन। तो ये थर्ड रिलेशनशिप और लास्ट रिलेशनशिप था जिसकी हमने बात करनी थी कि के पी और के एन का क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो के पी के एन की इक्वल हो सकता है, के पी के सी के इक्वल हो सकता है, के पी के एक्स के इक्वल हो सकता है। ठीक है, बशर्त ये कि डेल एन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, चेंज इन नंबर ऑफ मोल जीरो होने चाहिए। तो इन दैट केस के पी के एन की इक्वल के सी के इक्वल और के एक्स के इक्वल हो सकता है। तो आई होप इन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक आर एनी अदर टॉपिक यू कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व दैट कन्फ्यूजन।